हेलो एंड वेलकम बैक दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे चैनल सक्सेस नॉलेज पर। तो जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है कि हम लोग का ट्वेल्थ फिजिक्स में जो चैप्टर 4 है अपना गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व, वो पूरी तरह से थ्योरिकल पोर्शन से समाप्त हो चुका है और अब हम लोग सुपर न्यूमेरिकल को कर रहे हैं। किस न्यूमेरिकल को? सुपर न्यूमेरिकल। सुपर न्यूमेरिकल का मीन्स ये होता है दोस्तों, बोर्ड एग्जाम में इनसे बाहर कुछ नहीं जाएगा और इन पर वही करवाया जाएगा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो बहुत सारे बच्चे मुझसे व्हाट्सअप पर पूछते हैं कि सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाइए, तो इससे इंपॉर्टेंट आपको कहीं ढूंढ नहीं मिल सकता दुनिया में। और आज शाम को एक फिजिक्स की वीडियो आएगी, अभी टाइम है। फिजिक्स में आप 90+ ला सकते हो, मौका है आपके पास। मैं ऐसी जुगाड़ बताऊंगा, एक महीने में आपका सिलेबस कंप्लीट होगा और स्मार्ट वर्क के साथ कंप्लीट होगा, जिसमें से 80+ मैं निश्चित कह सकता हूं, 90+ नहीं कह सकता, 80+ आएंगे फिजिक्स में, इसकी गारंटी अगर उस बेस आप कर लेते हैं। अगर 3 महीने आप वही भी अपना लेंगे तो आपके 90 नंबर आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप 1 महीने भी उसे फॉलो कर लेते हैं तो 80+ कहीं नहीं गए। तो आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं, और क्लास को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी कि प्लीज आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी क्लिक कर दीजिए, क्योंकि आने वाली वीडियो जो नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। सबसे पहले मैं बता देता हूं कि कल ये न्यूमेरिकल्स मैं आपको करवा रहा था, ज्यादातर जो न्यूमेरिकल्स इंपॉर्टेंट है वो ये इस फार्मूले के इंपॉर्टेंट है, R=mv/qb। ये क्यू बी होता है या फिर ई बी होता है, E/m, इसमें होता है विशिष्ट प्रतिरोध। E/m क्या होता है? विशिष्ट प्रतिरोध। ये अक्सर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि विशिष्ट प्रतिरोध बताइए, जब कभी बोलते हैं कि वृत्ताकार मार्ग में, किसमें? वृत्ताकार मार्ग में कोई इलेक्ट्रॉन घूम रहा है वृत्ताकार मार्ग में, तो यही फार्मूला लगेगा त्रिज्या के लिए। इसमें दोस्तों ये ना पूछ करके आपसे गतिज ऊर्जा पूछेगा, तो के बराबर आप ½mv² लगा देते हैं, ठीक है। देखिए इस क्वेश्चन को मैंने कल करवा रहा था तो मेरे घर से थोड़ा कॉल आ गई थी, तो मैंने कहा था बच्चों कर लेना, लेकिन जो जो बच्चे थोड़ा सा बताया था, तो जो बच्चे बहुत सारे बच्चे मुझसे कमेंट करे और पूछे व्हाट्सअप पर कि सर जी इस न्यूमेरिकल को दोबारा करवा दीजिएगा, तो यहाँ पर मैं पूरा नहीं करवाऊँगा, जितना करवा चुका था उतना दिखा दूंगा। देखिए यहाँ पर लिखा है एक इलेक्ट्रॉन 3.4×10⁶ m/s की चाल से 10⁻⁴ n/a के चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है, तो ज्ञात कीजिए। देखिए कितने बार पूछा गया, सबसे फर्स्ट बात इस पर निकालना था हमें इलेक्ट्रॉन का कार्यकारी बल और गतिज ऊर्जा और त्रिज्या इसकी निकालनी थी। तो सबसे पहली बात हमें मीटर पर सेकंड से पता लग गया कि वेग का मान दिया है, तो ये हमने कर लिया। फिर इसके बाद हमसे पूछ रहा है कि ये न्यूटन पर एम्पियर मीटर, ये कैपिटल वी का मान हो गया चुंबकीय क्षेत्र का। इसके बाद हमसे पूछ रहा था कार्यकारी बल, तो हम जानते हैं F=qvb sin θ। लंबवत के लिए 90+90 रखा जाता है, 90-90 अंश, ठीक है, तो वही मैंने कैलकुलेट करके निकाला था, तो F निकल आया था। इसके बाद हम लोग को चाहिए था क्या? गतिज ऊर्जा। देख सकते हैं क्वेश्चन में गतिज ऊर्जा मैंने बताया था, ये फार्मूला लगा लेना गतिज ऊर्जा के लिए, ½mv² इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान मैंने बताया था 9.1×10⁻³, तो इसमें बस आपको कुछ नहीं करना, वैल्यू रखना है, तो K=1/2, m का मान है 9.1×10⁻³ रख देंगे ×v², तो v² की जगह में आप v×v लिख सकते हैं, यानी कि v का मान ये दिया गया है, इसको रखिए तो 3.4×10⁶ और ×3.4×10⁶, ये था आपके पास, था कि नहीं था? अब इसमें कुछ नहीं करना था यार, बस आपको कैलकुलेशन ही तो करनी थी, अब इतनी कैलकुलेशन नहीं कर पाओगे आप। इस दशमलव को यहाँ से दशमलव को जैसे ही ख़त्म करोगे तो यहाँ 2 जीरो बन जाएंगे, तो ये बन जाएगा 200, मैं इसको 9 से मल्टीपल कर दूँगा तो ये हो जाएगा 9/200 और इंटू में हो जाएगा 34×34, ठीक है, ये अपने पास निकल के आ जाएगा। इसके बाद अपनी जो पावर बची है ना, उनको हम जोड़ घटा लेंगे, तो देखिए 10⁻³ है, 10⁶ है, 10⁶ है, तो 6×6 कितना हो जाएगा 12, और 12 में हम लोग 31 में, देखिए अभी 31 माइनस किया है, 12 प्लस का है, तो हम लोग क्या करेंगे 31 में 12 घटा देंगे, तो आएगा हमारे पास 11 में 1 गए 9, और इसके बाद हमारे पास इधर कितना बचा 2 में 1 गए 1, 19 आ जाएगा, कितना आएगा 19। अब देखिए 10⁻³ बड़ी वाली संख्या में चिन्ह काहे का है? माइनस का, इसलिए आंसर काहे में आएगा? माइनस में, तो 10⁻⁹ कितना बचा था? 10⁻⁹, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, देखिए इस 9 से इधर मल्टीपल करा लेंगे, तो 9×6=36 के लिए 6 लगा 3, 9×3=27 और 3×30 यहाँ से आ गया 306×34/200,
और इंटू 10^-29, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, इस दो जीरो है ना जो, इनको ऊपर ले जाऊँगा, यहाँ पे 200 कैंसिल करूँगा, इसे 200 जैसे ही कैंसिल करूँगा, या इसे कैंसिल कर लो, इसे कैंसिल कर लो, तो 306 क्यों इसे कैंसिल कर लो, क्योंकि मल्टीपल कराने में आसानी रहेगी। तो देखिए भाग दो तो 2 × 1 = 2, 2 × 7 = 14, 17 × 2 = 34, और ये बटे में बचेगा 100, ठीक है। 100 को देखिए मैं लिख सकता हूँ 10^2, और ऊपर लाऊंगा तो हो जाएगा -10^2, तो ये लिखा हुआ था ऑलरेडी -10^19, और ये ऊपर आएगा -10^-2, नीचे था ऊपर जाएगा -2। अब इनको जोड़ देंगे और 17 से मल्टीपल करवा देंगे, ठीक है। 17 × 6 = 102, हासिल लगा 10, और ये 10 पूरा टोटल आ जाएगा, क्योंकि ये जीरो लगा हुआ है, 17 × 51, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 51, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, 17 × 6 = 102 के लिए 2 और 17, तो यहाँ पे आ जाएगा 0, और 17 × 51, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 5102। मेरे ख्याल से मल्टीपल कहीं गलत हो रहा है, क्योंकि देखिए यहाँ पे मल्टीपल हम लोग कर लेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे मल्टीपल हम लोग करेंगे तो 7 से जब करेंगे तो आता है 5182 आ रहा है, ठीक, 5182, कहीं ना कहीं मिस्टेक हो गया होगा। 10^19 और -2 कितना हो जाएगा, 21, ठीक है। तो ये आ गया अपना गतिज ऊर्जा, के का मान आ गया इतना, ठीक है, निकल के कोई दिक्कत यहाँ तक। अब देखिए यहाँ पे आपको निकालनी थी त्रिज्या, अब मैं यहाँ त्रिज्या भी इतने में निकाल दूंगा। त्रिज्या का फार्मूला होता है R = mv/qb, एम का मान रखेंगे 9 × 10^-31, और वी का मान दिया 3.4 × 10^6। इसके बाद यहाँ पे हमें नीचे होगा क्यूबर ई का मान होता है 1.6 × 10^-19। इसके बाद बी का मान हमें पता था ऑलरेडी 10^-4 क्वेश्चन में दिया गया था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसको भी कैलकुलेट कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। अब इसमें कैलकुलेट करने में आपको मेरे ख्याल से प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। देखिए इसमें करना क्या है, हम लोग क्या करेंगे, इसका दशमलव हटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, हटा दिया। हमारे पास बचेगा 9/16 और मल्टीपल, यहाँ पे देखिए 10^34 है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इधर ले आएंगे पास में, तो 10^34 हो जाएगा। 10^31 में 10^6 घटा देंगे क्योंकि प्लस का, तो हमारे पास जो बचेगा वो बचेगा शायद 26, कितना बचेगा, 31 में हम लोग 6 घटा लेते हैं, तो 11 में 6 गया 4 और 2, तो 24 बचेगा, ठीक है। तो 10^-24, इसके बाद हमारे पास क्या बचा, 10^-24, अब ये देखिए नीचे है 19 है माइनस का, और ये माइनस का 4 है, ऊपर 2 हो जाएगा × 10^-23 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 10^23, अब मल्टीपल में 16, इस 10^23 को उधर ले जाएंगे, 2 से इसको काट देंगे तो 8, और ये हो जाएगा 2 × 9 = 2, 2 × 7 = 14, 17, तो ये 17 को 9 से मल्टीपल करवा देंगे तो 9 × 7 = 63 के लिए 3, 8 × 6 = 6, 9 × 9 = 9, 9 × 6 = 15, ठीक है, 153, 153 होता है, ठीक, 10^-24। इसके बाद देखिए यहाँ पे 10^ जो -23 था ऊपर ले जाऊँगा, 10^+23 हो जाएगा, ठीक है, 8, इतनी बात समझ में आई। देखिए कैलकुलेशन थोड़ा भारी है इस क्वेश्चन की, कैलकुलेशन जो रहेगी इस क्वेश्चन की थोड़ा सा टफ है, ठीक है। तो क्या होगा, 153, और ये देखिए ये 153 × ये लिखा हुआ था, अब क्या करेंगे हम लोग, ये 6 पहले से शायद लिखा था, तो इसमें क्या है, हम लोग घटा देंगे तो ओनली क्या बचेगा, 10^-9, तो ये नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 153/80। किस किस के समझ में आया जल्दी से बताओ। देखिए 10^-24 है, 10^-24 में जब हम लोग 23 घटा देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, 1 बचेगा कि नहीं बचेगा, 1 बचेगा, 10^-1 बचेगा, 10^-1 का मतलब है 1/10, तो ये 8 के साथ 80 बना देगा, तो 153 में 80 का भाग दे रहे हैं, जो आ जाएगा उतने ही मीटर, क्या इतने मीटर हमारी क्या आ गई, त्रिज्या आ गई। तो ये कल का क्वेश्चन था दोस्तों, इसलिए मैंने थोड़ा इसे स्पीड से बताया है। और चलते हैं, इस टाइप के जितने भी न्यूमेरिकल्स थे अपने समाप्त हो चुके। इस टाइप के न्यूमेरिकल्स में क्या था अपना, इसमें कुछ नहीं था, इसमें ये एक जब कभी वृत्ताकार पथ की बात करेगा और आपसे इन तीन चीजों को पूछेगा, और इतना जब बात जरूर याद रखिएगा, इसमें आपको विशिष्ट प्रतिरोध आपसे अक्सर पूछ लिया जाएगा, जो होता है E/M, ठीक है, विशिष्ट आवेश, सॉरी, तो इसे जरूर आप याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्या कह रहा है, 2 मीटर लंबी प्रणाली का 1000 फेरे हैं, 2 मीटर की कोई एक लंबी प्रणालिका है जिस पर 1000 फेरे हैं, इसमें 10 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है, इसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। सबसे पहले फेरों की संख्या को हम कैपिटल एन से डिनोट करेंगे, तो एन बराबर दिया गया 1000, इसमें कह रहा है I = 10 एम्पीयर की धारा है, तो इसे हम लोग I से लेट कर लेंगे। धारा प्रवाहित हो रही है, इसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता यानी B का मान हमसे पूछ रहा है। अब बताइए
इन तीनों में रिलेशन का ही मैंने आपको पढ़ाया था, तो मैंने आपको पढ़ाया था बी बराबर म्यू नॉट एन इंटू आई। अब देखिए ये डेरिवेशन बहुत 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 ही बहुत कम। एल बराबर देखिए 2 मीटर दिया गया है, तो यहाँ पर हम एल बराबर 2 मीटर कर लेंगे। बहुत कम टीचर बताते हैं और एग्जाम पे पूछ लिया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है ये, आपसे 2 नंबर में पूछा जाएगा। कितने नंबर में? 2 नंबर में पूछा जाएगा, और वहाँ पर आप कन्फ्यूज हो जाएगा 100%। तो आपको कन्फ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, कोई दिक्कत नहीं है, बस क्वेश्चन को करना ही तो है। और क्या है इसमें, बस वैल्यू ही रखनी है, बस आपको ये फार्मूला पता होना चाहिए। जब भी आपसे कभी पूछेगा, कहेगा कि इसके केंद्र पर, किसके प्रणालिका के केंद्र पर, तो आपको यही फार्मूला लगाना है हमेशा। क्वेश्चन आपसे या तो इस चैप्टर में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या तो इससे पूछा जाएगा, या तो आपसे आर बराबर जो त्रिज्या वाला जो मैंने अभी बताया उससे पूछा जाएगा, या एफ बराबर जो एक फार्मूला होता है क्यू इंटू वी क्रॉस, वी क्रॉस करके जो क्रॉस वाला एक होता है फार्मूला, उससे क्वेश्चन पूछा जाता है अक्सर इन्हीं क्वेश्चनों से, क्यू वी बी। तो यहाँ पे क्या होता है, बी ये होता है, ये फार्मूला होता है, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, या तो इससे पूछे जाते हैं, या तो आर। इतने न्यूमेरिकल मैं करवाऊँगा, सफिशियंट है, इतने न्यूमेरिकल्स में से पूछ लिया जाएगा आपके बोर्ड एग्जाम पे। और मैं आपसे गारंटी के साथ कहता हूँ, आप जितना मैं तैयार कराता हूँ ना, इतने तैयार करो, 90+ कोई नहीं रोक सकता। जो बच्चा पूरा एक एक पॉइंट कंप्लीट कर लेगा, जो नहीं कर पाएगा वो 85+ उसके कोई नहीं रोक सकता फिजिक्स में, ठीक है। तो यहाँ से क्या है, बी बराबर आपको वैल्यू रखनी, मैंने आपको बताया था म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की जो वैल्यू होती है, वो होती है 1 × 10⁻¹। अगर आपसे कोई म्यू की वैल्यू पूछ लेता है, तो आप कह देंगे 4 पाई × 10⁻¹। अगर आपसे कोई कह देता है म्यू नॉट अपॉन 2 पाई की वैल्यू क्या होगी, तो 2 × 10⁻¹। इस प्रकार से निकाल ली जाती है। तो हमें म्यू का काम है, तो ये वाली वैल्यू रखेंगे, तो यहाँ से आपके बोर्ड एग्जाम में क्या हो जाता है, म्यू नॉट का वैल्यू हो जाएगी 4 पाई × 10⁻¹। और देखिए एन की वैल्यू हमें दी गई है 1000, तो यहाँ से हम लोग कर लेंगे 1000। इसको दे आई की वैल्यू हमें कितनी दी गई है, 10 एम्पियर, तो हम लोग यहाँ पे 10 एम्पियर लिख देंगे, बटे एल की वैल्यू हमें दी गई है 2 मीटर, तो यहाँ से 2 रख लेंगे, 2 × 2 = 4। अब क्या होगा, यहाँ पे देखिए इसके भी मल्टीपल करवा लेंगे, 2 से मल्टीपल करवा लेंगे। जैसे ही 2 से मल्टीपल करवाएंगे, तो 2 × देखिए मैंने आपको बताया था 10⁻²² × 10⁻¹ है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 10⁴। जब मैं इसको 10⁴ लिख सकता हूँ, तो 2 पाई × 10⁻¹। अब देखिए 7 में 4 अगर घटाऊंगा तो माइनस का 3 आएगा, तो क्या मैं इसको ये नहीं लिख सकता, बी बराबर इतने टेस्ला, ये इतने टेस्ला या इतने चुंबकीय मीटर पर सेकंड, इसको इतना नहीं लिख सकता हूँ क्या इसको मैं, बताइए। ये देखिए बी बराबर आपको दिख नहीं रहा था, बेचैन हो गए थे, आप देख लीजिए। देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया है, यहाँ पे वैल्यू रखा है इस पर, इतना तो समझ में आ गया होगा, म्यू की वैल्यू रखा, एन की वैल्यू रखा, आई की वैल्यू रखा, 2 की वैल्यू रखा, ठीक है। बी बराबर 2 पाई × 10⁻³, यहाँ पे क्या हो गया, मैंने देखिए इसको 10⁴ लिख सकता हूँ, 1 × 4 = 0 एन की 10⁴, 1 × 5 = एन 10⁵, तो यहाँ पे मैंने इसको लिख दिया। अब क्या करूँगा, इसमें 10⁻⁷ में 10⁴ घटा लूँगा, तो ये आ जाएगा 2 पाई करके, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। आज की क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे सुपर न्यूमेरिकल, फिर एक जो हमारा छोटा सा कॉन्सेप्ट बचा है आपके चैप्टर का, उसे कंप्लीट करेंगे, और फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।